पीडीएस विपिन रावत ने उनसे पानी मांगा था लेकिन आसपास पानी नहीं था। जी हां, इस पूरी घटना में क्या क्या हुआ सुनिए। हमारे साथ इस समय मौजूद है शिवकुमार जी। शिवकुमार जी वही शख्स है जो सबसे पहले क्रैश साइट के पास पहुंचे थे। शिवकुमार जी आप कहाँ पर थे जब क्रैश हुआ और क्या सुना आपने? கரெக்டாக ஒரு 12 மணிக்கு வந்து ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு. சவுண்டு கேட்டும் போது நாங்கள் அந்த ஸ்பாட்டில் போய் பார்க்கும்போது ஒரு ஹெலிகாப்டர் தான் விபத்துக்குள்ளாக இருக்குன்றதை நாங்கள் பார்த்தோம். சுகுமார் ஜி கே ரே தே கி யே யஹான் அப்னே பாய் கே கர் பே ஆயே தே ஆர் தோபஹர் மே அச்சானக் ஏக் ஆவாஸ் ஆயி யே துரந்த் பஹர் நிக்லே ஆர் உன்ஹோனே தேகா கி யஹா இஸ் ஜகா பர் ஜோ ஹே ஹெலிகாப்டர் கிராஷ் ஹுவா தா. யே வஹா பஹுன்சே ஸ்பாட் பே ஆர் உன்ஹோனே தேகா பாடி ஜோ தி வோ யஹான் பர் பிக்ரி ஹுயி தி கியூன்கி பெட்ரோல் யஹான் பே ஜோ தா ईंधन था विमान में, लिहाजा ये ज़्यादा आगे नहीं जा रहे थे, डर रहे थे कि कहीं ये ब्लास्ट ना हो जो टैंक है फ्यूल टैंक। इस वजह से इन्होंने पहले जो है यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को सूचना दी और साथ ही साथ फायर सर्विस भी यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद क्या किया इन्होंने उनसे बात करते हैं। सर जनरल விபின் ராவத் ஜி யஹான் பே தே வோ கஹான் பே தே அப்புறம் ஹெலிகாப்டரில் உள்ளவங்களை காப்பாற்ற முடியாதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாங்கள் வந்து ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே விழுந்தவங்களை வந்து காப்பாற்றலான்ட்டு உள்ளே இறங்கி நாங்கள் தேடினா தேடும்போது மூணு லொக்கேஷனில் மூணு பேர் இருந்து உயிரோட உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ சுகுமார் ஜி கே ரே தே ஜப் யஹான் பர் பஹுன்சே உஸ்கே பாத் உன்ஹே தோடா ஆகே நீச்சே கி தரப் கயே தோ உன்ஹோனே வஹான் பே ஜெனரல் விபின் ராவத் ஜி கோ தேகா தா ஆர் வோ காயல் ஹுயே தே யே துரந்த் வஹான் பர் உன்கே பாஸ் கயே ஆர் உன்கோ கஹா கி கப்ரானே கி ஜ்ரூரத் நஹீ ஹை உன்ஹே ஜல்தி யஹான் சே அஸ்பதால் லியா ஜாயேகா तब जाकर जो है जनरल बिपिन रावत ने इनसे पानी मांगा था लेकिन इनके पास पानी नहीं था। इन्होंने यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस ऑफिसर से उसको बताया कि पानी के लिए ताकि पानी दिया जाए और ये फिर आगे चल के आए। उसके बाद क्या हुआ, कंडीशन कैसा था उनका? அடுத்து வந்து நாங்கள் வந்து அந்த மூணு பேரையும் காப்பாற்றி அவங்கள வந்து ஆம்புலன்ஸ்லேயே ஹாஸ்பிட்டல் காமிச்சு வச்சிட்டோம். அப்புறம் ஹெலிகாப்டருக்குள்ளே மற்றவங்களாம் ஃபயர் சர்வீஸ் மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த நெருப்பு அணைச்ச பின்னால் அவங்க பாடி எடுத்து எடுத்து கொடுக்க நாங்கள் ஆம்புலன்ஸ் கொண்டு போயிருந்தோம். சுகுமார் ஜி கே ரே தே கி உஸ் டைம் யஹான் பர் ஜோ ஹை ஃபயர் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் பஹுன்சே தே, போலீஸ் பஹுன்சா தா ஆர் ஃபிர் ஜோ ஹை இன்ஹோனே யஹான் சே கர் சே ஷீட்ஸ் ஆர் பாக்கி சீஜே நிகாலி ஆர் ஸ்ட்ரெச்சர் உன்கோ பனாயா ஆர் ஃபிர் யஹான் சே ஜோ ஹை ஜெனரல் விபின் ராவத் ஆர் பாக்கி லோகோ கோ ஜோ ஹை யஹான் சே வெலிங்டன் मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए लिया। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, कन्नूर। चलिए सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां न्यूज़ नेशन के संवाददाता यासिर मुश्ताक इस वक्त मौजूद हैं। यासिर, पूरा देश जानना चाहता है कि किस तरीके की भौगोलिक स्थिति है वहां की, क्या कुछ चश्मदीद बता रहे हैं और क्या कुछ आपने महसूस किया ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर। ओवर टू यू यासिर। साइट पर ये देख सकते हैं आप, यहीं पर जो है बुधवार को तकरीबन 12:20 पर MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोग सवार थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पेड़ जित नीचे है ये कटे हुए हैं ये पेड़। आई विटनेसेस जो है उनका कहना है कि यहाँ पर जो है जब ये हेलीकॉप्टर पहुँचा सबसे पहले ये इन्हीं पेड़ से टकराया और उसके बाद जो है यहाँ नीचे खाई में गिरा और वहाँ पर जो है इसमें आग लगी। तुरंत आवाज़ सुन के जो है यहाँ के जो आसपास के स्थानीय लोग हैं इस चाय बागान के, वो मौके पर पहुँचा। उन्होंने जी बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक इस वक्त तमिलनाडु के कन्नूर में मौजूद हैं, वो जगह जहाँ पर MI-17V5 कल क्रैश हुआ है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक बता रहे हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। यासिर, और ये तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं अनुराग, वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी, वन विभाग के अधिकारी दिखाई दे रहा है और पीछे वन विभाग के अधिकारियों को बताया गया, वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। वन विभाग के अधिकारी यहां पर पहुंचे और साथ ही साथ फायर सर्विस के अधिकारी भी यहां पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले जो यहां पर शख्स पहुंचे थे वो शिव कुमार थे जो यहीं इसी चाय बागान में रहते हैं। यहां पर उनका कहना है कि उन्होंने देखा आवाज़ जब आई तो वो यहां पर पहुंचे और यहां पर चारों तरफ आग लगी थी। जनरल विपिन रावत वहां पे थे और वो काफ़ी घायल हुए थे, वो तुरंत उनके पास गए, उन्हें दिलासा दिलाया कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको तुरंत अस्पताल लिया जाएगा। उसी समय तक जो है पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे थे। फिर जब उनको वहाँ से उठा रहे थे, यही शिव कुमार, जब विपिन जनरल
बिपिन रावत को उठा रहे थे यहाँ से, तो उन्होंने पानी मांगा था। हालांकि तुरंत अशोक कुमार यहाँ से पानी लेने गए थे, लेकिन उनके पास पानी नहीं था। तब तक जो है पुलिस अधिकारियों ने यहाँ से जनरल बिपिन रावत को MRC जो है यहाँ पे हॉस्पिटल वेलिंगटन में वहाँ पहुँचा दिया। अगर इस हम इस पूरे इलाके की टोपोग्राफी की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह का टोपोग्राफी है और क्या वजह हो सकती है इस हादसे की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ ऊंची पहाड़ियाँ है यहाँ पे और दूसरी तरफ खाई है, और आप देख सकते हैं धुंध इस समय भी है और कल भी कुछ धुंध ऐसी ही थी यहाँ पे। यहाँ 10 मिनट विजिबिलिटी रहती है और फिर अचानक विजिबिलिटी जो है कम हो जाती है। और बताया यही जा रहा है कि कल जब यहाँ से सुलूर से फ़्लाइट ली थी तो उस समय मौसम पहले ठीक था, क्योंकि यहाँ से जो वेलिंगटन एयरबेस हेलीपैड जो है जिमखाना क्लब में वो 8 से 10 किलोमीटर है और वहीं पे जो है लैंड करना था, तो वहाँ पे लैंड कराना था, लिहाजा फ्लाइट जो थी लो ऑल्टीट्यूड पे थी और हो सकता है कि धुंध वहाँ पे ज़्यादा थी, इस वजह से जो है पायलट जज नहीं कर पाया वहाँ पे क्या करना है। ये एक एक्सपर्ट्स की थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है कि क्या कोई तकनीकी ख़राबी आई थी या फिर मौसम ही ख़राब हुआ था, उसी वजह से ये क्रैश हुआ। ब्लैक बॉक्स कुछ देर पहले जो है यहीं पे मिला, तो अब जब ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन होगी वहाँ पर पता चलेगा कि लास्ट मोमेंट्स पे क्या बातचीत हुई थी हेलीकॉप्टर के अंदर, क्योंकि वो सारा जो है उस फ्लाइट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ होगा और उसी से पता चल पाएगा कि असली वजह क्या थी। एयरफोर्स की इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ कल रात से ही है, वो लगातार कोशिश कर रही है यहाँ पे ये जानने की कि वजह क्या हो सकती है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की जा रही है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे अधिकारी पहुँचे हैं और साथ ही साथ एयरफोर्स के भी। पहले जो है पूरे फोटोग्राफ्स लिए गए, जहाँ जहाँ पर भी एयरक्राफ्ट के जो है पार्ट्स पड़े थे उनके जो है फोटोग्राफ्स लिए गए। अब उसके बाद जो है एक एक करके जो यहाँ पे पार्ट्स बचे हैं उनको जो है एक जगह लाया जाएगा और रीअसेंबल किया जाएगा, ताकि ये पता चल पाए कि कौन सा पार्ट मिसिंग है। और साथ ही ये भी देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट लगा है विमान के साथ, क्योंकि उस हिसाब से जो है डेंट आया होगा उन पार्ट्स पे। तो ये प्रक्रिया जारी रहेगी यहाँ पे कुछ देर के लिए और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि वजह क्या रही। जो ब्लैक बॉक्स में इंफॉर्मेशन मिलेगी और साथ ही यहाँ पर जो कलेक्शन हो जाएगी यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है जो वो सबूत यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, उसके बिना पर जो है फिर ये रिपोर्ट जारी की जाएगी। वहीं इस समय अगर हम बात करें तो जनरल बिपिन रावत और 11 अन्य अधिकारियों के जो पार्थिव शरीर है वो वेलिंगटन में है, MRC अस्पताल में है, वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और एम्बुलेंसेस भी वहाँ पे पहुँच गई है। अब जो है यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को सुलूर एयरबेस लिया जाएगा और फिर सुलूर एयरबेस से एयरलिफ्ट करके दिल्ली के पाम एयरपोर्ट लिया जाएगा। इस हादसे में ग्रुप कैप्टन जो थे घायल हुए थे उनकी तबीयत अभी भी ख़तरे से बाहर नहीं है। डॉक्टर्स तमाम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि वो जल्द से जल्द उनको ठीक करें, लेकिन जिस तरह से उनको इंजरीज हुई है कंडीशन अब भी जो है क्रिटिकल है उनकी। बात ये भी हो रही है कि क्या उन्हें यहाँ से अब शिफ्ट करना चाहिए दूसरे हॉस्पिटल में। बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल की भी बात चल रही है, लेकिन क्योंकि वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है लिहाजा अभी तक डॉक्टर्स ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि क्या करना चाहिए। साथ ही जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जो है तमिलनाडु के स्टालिन वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, एयरफोर्स चीफ भी यहाँ पर पहुँचे थे क्रैश साइट पर, उन्होंने खुद यहाँ पर जायज़ा लिया और सबकी जो है जानने की कोशिश यही है कि आखिर वजह क्या रही। क्योंकि MH-17 हेलीकॉप्टर की अगर हमें बात करें तो बेहतरीन हेलीकॉप्टर माना जाता है ये वर्ल्ड में, और VVIP जो है इसमें काफ़ी बार गए हैं, उड़ान भरी है, इसमें सेफ विमान माना जाता था। अगर हम इस MH-17 की बात करें तो ये भी काफ़ी पुराना विमान नहीं था, MH-8 से जब अपग्रेड किया गया था तो MH-17 बनाया गया था, रशियन में ये हेलीकॉप्टर है।
तो यही जानने की कोशिश की जा रही है कि अगर मौसम ख़राब था, क्योंकि ये वीवीआईपी फ्लाइट थी, तो गो अहेड कैसे दिया गया होगा, क्योंकि एटीसी से भी बात हुई होगी जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था कि मौसम कैसा है, कितनी देर में मौसम बदल सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि यहाँ पे मौसम बदल गया। यहाँ आप देख सकते हैं इस समय भी जो है 2 मिनट के लिए पूरा धुंध यहाँ पर रहती है और 2 मिनट में ही जो है पूरी तरीके से धुंध ख़त्म हो जाती है। तो ये यहाँ पर इस इलाके में हमेशा ऐसा होता है। तो इस बीच यही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है, क्या तकनीकी खराबी थी विमान में, या पायलट की कोई गलती है जिससे ये जज नहीं कर पाए पायलट वहाँ पे, और ये लो अल्टीट्यूड में यहाँ पे फ्लाई कर रहे थे। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे अगर आप देखिए खाई है, दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी है, साथ में जो है बड़े बड़े पेड़ भी है। जो आई विटनेसेस यहाँ पे है उनका भी यही कहना है कि जो पेड़ यहाँ पे थे, 4 पेड़ जो है वो कट गए हैं, यानी कि जब वो हेलीकॉप्टर जो है यहाँ लो फ्लाई कर रहा था तो हो सकता है वो सबसे पहले जो है पेड़ से टकराया है, उसी वजह से जो है वो पेड़ कट चुके हैं और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर है वो नीचे गिर गया है यहाँ इस खाई में और फिर उसमें आग लगी है। तो ये जांच का विषय है, इसको लेकर जांच अब जारी है। देखना होगा कि अब ब्लैक बॉक्स से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद ही पूरी रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये सवाल भी अहम है, क्या इतनी बड़ी फ्लाइट थी, वीवीआईपी फ्लाइट थी, ऐसा क्यों हो गया, कहाँ पे गलती हो गई, क्योंकि ये ऐसा पहला रूट नहीं है जहाँ पे धुंध इस तरह से होती है। तो ये सब चीज़ें जो है देखी जा रही है। वहीं अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें, जो स्थानीय लोग यहाँ पर हैं वो गम में डूबे हैं, क्योंकि उन्होंने यह हादसा आंखों देखे यहाँ पे होते हुए देखा कि किस तरह से जो है क्रैश हुआ, उसके बाद आग लगी और फिर किस तरह से वहाँ पे जो पार्थिव शरीर थे उनको यहाँ से निकाला गया। तो वो सभी जो है सन है, वो उनका अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि वो रोज़ देखते हैं यहाँ काफ़ी फ्लाइट्स आती हैं, क्योंकि वेलिंगटन डिफेंस सर्विसेज एंड स्टाफ कॉलेज जो है वो एक बहुत बड़ा कॉलेज है, दुनिया भर में इसके चर्चे हैं, दुनिया के कई जो फ्रेंडली नेशंस हैं वहाँ से जो है यहाँ लोग आते हैं, स्टाफ ऑफिसर्स आते हैं। इस कॉलेज की अगर हम बात करें तो इस कॉलेज में आर्मी, नेवी, इंडियन एयर फोर्स सभी के स्टाफ ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है, साथ ही जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं पैरामिलिट्री के उन्हें भी यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। तो यहीं पर जो है वो जनरल बिपिन रावत आ रहे थे लेक्चर देने के लिए, लेकिन इस बीच यह हादसा हुआ और उस इस हादसे में उनका निधन हो गया। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, उनका निधन हुआ और 11 अन्य अधिकारी जो है उनका भी निधन हुआ। पूरा ये इलाका जो है गम में डूबा हुआ है, अभी भी इन्हें यकीन नहीं होता है कि ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग जो आए हैं उनका भी यही कहना है कि वो जनरल बिपिन रावत को जानते नहीं थे, उन्होंने टीवी पे देखा था और आज उन्होंने सुना था कि वो यहाँ पे आ रहे थे, वो बहुत खुश थे क्योंकि पहली बार जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। अभी भी आप अगर देख सकते हैं नीचे यहाँ पे अभी भी 2 टीम्स यहाँ पर पहुँच गई है, इसमें फॉरेंसिक टीम जो है वो अब भी यहीं पर है, मौजूद है, और वो साथ ही साथ जो है एयरफोर्स की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी अब यहाँ पे मौजूद है। वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो चीज़ है वो यहाँ पे मिस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सारे पार्ट्स हैं एयरक्राफ्ट के उनको जमा करना है, क्योंकि उनसे ही पता चल पाएगा कि क्या कोई फॉरेन बॉडी हिट हुई है या नहीं हुई है। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कल से ही जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो यहाँ पर मौजूद है और वो यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ न रहे, क्योंकि ये सारे, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहे हैं, सारे जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं उन्हें जो है यहाँ पे फोटोग्राफ किया जाता है और उन सब चीज़ों को जो यहाँ पे है रीअसेंबल किया जाएगा, और रीअसेंबल करने के बाद देखा जाएगा कि कौन कौन सा पार्ट मिस है। तो उसी से जो है एक एंगल मिल जाता है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट मिस है यहाँ पे और फिर क्या उस पार्ट को जो है
किसी फॉरेन बॉडी ने हिट किया हो या नहीं किया हो तो उससे वो पता चल जाता है। साथ ही जो ब्लैक बॉक्स है उससे ये जानकारी मिल पाती है कि उस समय फ्लाइट में क्या बातचीत हुई होगी, वो पूरा इसमें रिकॉर्ड होता है और उस बातचीत से ये पता चल पाएगा कि लास्ट मोमेंट में पायलट ने क्या कहा था, वहाँ पे जो को पायलट थे उनसे क्या बातचीत हुई थी, उसका खुलासा भी ब्लैक बॉक्स के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही यहाँ पे होगा। तो अब सारा जो जांच हो रही है इसमें दो चीज़ें अहम हैं, एक ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी और दूसरा जो यहाँ पे मौके पर जो चीज़ें मिल रही है उनको इकट्ठा करके ही एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिससे पता चल पाएगा कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी जो है एम्बुलेंसेज वो भी पहुँच चुकी हैं MRC जहाँ पर पार्थिव शरीर है जनरल बिपिन रावत के और उनके पत्नी के। तो अब जो है यहाँ से उनको सुलूर एयरबेस लिया जाएगा और फिर जो है सुलूर एयरबेस से कुछ देर बाद विमान के ज़रिए पाम एयरपोर्ट उनको लिया जाएगा और फिर जो है कल उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। और जहां तक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की बात है, उनकी तबीयत जो है अब भी ख़तरे से बाहर नहीं है, अभी भी वो क्रिटिकल कंडीशंस में ही है, उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे ही वो फ़िलहाल है। और जो बताया जा रहा था कि उन्हें शायद यहाँ से शिफ्ट किया जाए कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु, लेकिन उसको लेकर फ़िलहाल डॉक्टर्स अलग अलग राय दे रहे हैं क्योंकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं वो, लिहाजा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स को बाहर से यहाँ लाया जाए और उनका इलाज यहीं पे किया जाए। इसको लेकर भी अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है आर्मी की तरफ से। साथ ही आप एक बार फिर से यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से मौसम बदल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब एकदम जो है पूरा यहाँ पर जो है धुंध ख़त्म हो गई है। ऐसे ही जो है 5 से 10 मिनट में जो है यहाँ पे तस्वीर बदल जाती है और यही एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि हो सकता है कि कल भी यही हुआ हो यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा इस वक्त जहाँ पे धुंध ख़त्म है और जब हेलीकॉप्टर यहाँ से जा रहा था उड़ान, क्योंकि यहाँ से 8 किलोमीटर ही दूर था हेलीपैड, जो जिमखाना क्लब का हेलीपैड है वहाँ पे लैंड करना था, तो हो सकता है पायलट ने फ्लाइट को लो अल्टीट्यूड पे लाया हो और तभी जो है एकदम से धुंध फिर से सामने आ गई हो, जिस वजह से जजमेंटल एरर जो है वो हुआ हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पेड़ यहाँ पर है ये टूट गए हैं और जो आई विटनेसेस है उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर जो है वो पहले इसी पेड़ से टकराया था जिस वजह से ये पेड़ टूट गया और इसके बाद हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे गिर गया और उसमें आग लग गई। तो ये आप देख सकते हैं टोपोग्राफी यहाँ पे, मौसम यहाँ पे किस तरह से होता है। लेकिन दूसरी बात ये भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा यहाँ पे हुआ है कि मौसम इस तरह से बदला हो यहाँ पे, या हमेशा यहाँ पे होता है मौसम इसी तरह से बदला है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मौसम की वजह से ये हुआ हो, क्योंकि जो कप्तान थे वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे। तो ऐसे में कई सारे जो है चीज़ें हैं यहाँ पे जिनका पता फ़िलहाल नहीं चल पा रहा है और जो अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ था आखिर में, किसकी गलती थी, क्या पायलट के जजमेंटल एरर की वजह से यहाँ पे ये हुआ होगा या फिर जिस तरह से टेक्निकल जो एरर होता है, टेक्निकल फॉल्ट आता है फ्लाइट में, उस वजह से ये क्रैश हुआ। इन चीज़ों का जो है पता अब ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। यकीनन तो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त न्यूज नेशन मौजूद है और हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक बता रहे हैं कि किस तरीके की भौगोलिक स्थिति और क्या कुछ रहा होगा। चश्मदीद क्या कुछ बता रहे हैं? बिल्कुल, आपने पूरी जानकारी यासिर की इस रिपोर्ट में देखी। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक, तुरंत हाजिर होगा।